जिंदगियां बर्बाद कर दी है तूने। क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? बोल, बता वरना काट दूंगी तुझे। चला बस चला। बोल, बोल। ये ऐसे नहीं बोलेगा, काट दे। हमने अभी अभी देखा कि दो औरतें किसी खुशी के मौके पर गीत गा रही थी और अगले ही पल किसी की जान लेने के लिए उतारू थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो हस्ती खेलती बहनों ने किसी का कत्ल करने की ठान ली? वो भी इतनी बेरहमी से। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूँ। कौन था ये आदमी और इस आदमी ने आखिर ऐसा क्या किया था कि इन दो महिलाओं को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या था इस रहस्य के पीछे का सच? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की इस घटना के कुछ दिन पहले की हकीकत। ओ दुलते सरे ते फुला दिया लड़िया, फुला दिया लड़िया, बधाई होवे बधाई होवे। ओ लड़िया लगन जिबे मटर दिया फलिया, मटर दिया फलिया, बधाई होवे बधाई होवे, बधाई होवे बधाई होवे, बधाई होवे बधाई होवे। हमारे मुंडे के सहरे पे तुम्हें मटर की फलियां नजर आ रही है? मालिक को अगर 10-10 रुपए का शकन डालोगे तो मटर की फलियां ही नजर आएंगी ना, कोई मशरूम थोड़ी आएगा। अरे चुप कर, लो 500 रुपया और लगा हमारे मुंडे के सहरे पे मीरो एक मोटिया। ओ जी अभी लगा दे। मुंडा झुक झुक जिए, चांदी दुल्हन लाए, निक्के निक्के बाल खिलाए, दादी का नाम चमकाए। बधाई होवे बधाई होवे, बधाई होवे बधाई होवे, बधाई होवे बधाई होवे। अरे बस करिए, अब देरी हो रही है, दूल्हे को मंडप में भी ले जाना है। ओ पते, ये मुंह पे झाड़ू लगा के कौन आ गया? है मैं लड़के का बाप हूँ। पर दूल्हे की शक्ल तो आपसे मिलती ही नहीं, पड़ोसी ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं। ओए बकवास बनकर, गोली मार दूंगा। ओ जी माफी जी, माफी जी, माफी जी। जाने दो जीजा जी, ऐसे मौके पे ऐसे लोगों की दुआ बहुत जरूरी होती है। ठीक है। बधाई होवे बधाई होवे बधाई होवे बधाई होवे। अमन, अमन। हाँ पेंटी, क्यों होया? खाना बना रही थी, तेल ही खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया? भाई रब्बा, बाजार से तेल लाने के पैसे भी नहीं बचे, और कुछ नहीं होता। ये दोनों नेग लाते होंगे ना, फिर आप लोग पार्टी करांगे पार्टी। ओए तू उदास क्यों है? तू मेरी छोटी बहन, बड़े अरमानों के साथ मैं तुझे व्याह के इस घर में लेकर आ गई, गलती हो गई। मेरा गुजारा तो नेक से चलता था, मैंने तुझे भी इस आग में झोंक दिया। ओ बहनी, तू ऐसे क्यों सोचती है? मेरा ब्याह जो यहाँ पर नहीं होता तो कौन सा कोई डॉक्टर या इंजीनियर मेरे को ब्याह के लेके जाता? हाँ हो सकता है कोई रिक्शे वाला या ठेले वाला जरूर ब्याह के ले जाता मुझे। पर बहन, तेरा साथ तो ना मिलता मुझे, तेरा प्यार तो ना मिलता मुझे। मैंने तो गुजार लिया मन, पर तेरी तो चाह रह गई, ना लिपस्टिक ना पाउडर ना शैम्पू। बहनी तू ना बिना किसी गलती ना कितनी टेंशन लेती, तू मेरी परवाह ना कीता कर। तेरा देवर है ना मेरा घर वाला, कितनी परवाह करता है मेरी, जान छिड़कता मेरे पे जान। तू ना ऐसे टेंशन ना लिया कर, उदास ना होया कर तू। अच्छा मेरी माँ। ओ फतेह, आज तो अच्छा काम बन गया, मजा आ गया। ओ जी आ गई, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, पार्टी आज पार्टी बहन जी। पागल है फतेह जी, आ गए तुसी? की खिला के आए? ओ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखी पूरी, हलवा, सब्जी, रसमलाई, सोढ़िया। खोलो ना फिर। अरे तुझे पता आज की पार्टी बहुत ही सॉलिड थी, उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े भी दिए हैं और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना। वाह वाह। अरे थम जा, अंदर चल के परजाई के आगे खोलेंगे ना, चल अंदर। आज अंदर जी, देखो कितना कुछ आया, पकड़ो। आप तो ऐसे ऐसे तेल तेल कर रही थी, इसमें तो हर चीज में तेल तेल है। देखो देखो क्या क्या आया।
आराम से। अच्छा आप खोलो, मैं थाली लगाती हूँ। प्लीज जनानी को थोड़ी अकल सिखा, जेठ घर आया है, सर पे चुन्नी तो रखे। अरे पाजी छोड़ो ना, आओ चलो अंदर खाना खाते हैं, दावत करेंगे। आओ आज तो पार्टिया। सस्रियकाल। सस्रियकाल। आजी क्या हो रहा है? आजो 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 बैठो, बहुत भूख लगी है। आओ आओ। अब इन्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापी, अमन ने चुन्नी नहीं पा रखी ना, बस गुस्सा आ गया। आओ खाना पाते आओ। अमन मैं तुझे कितनी बारी बोला है कि जब इनके सामने आया कर तो सर ढक कर आया कर। बहन जी आप जेठ जी को क्यों नहीं समझाते हो? अपनी आंखें बंद कर ले या फिर मेरी तरफ आंखें गड़ा गड़ा के देखने की जरूरत क्या है? फालतू बातें मत कर, वो तेरे जेठ जी होने के साथ साथ तेरे जीजा भी है। और गलत क्या कह रहे हैं, जा अभी अपना सर ढक कर आ। आप ना हमेशा जेठ जी की सैर लेते। ओ तू क्यों चुन्नी डाल रही है? तू तो बिना चुन्नी के ही सोनी लगती है। मैं मर जाने है तेरे दसा में। इधर आ। जानिया तेरे वीरे ने सुन लिया ना तो पता चल जाएगा तुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जब पागर पे नहीं होंगे ना मैं तब तुम्हें छेड़ूंगा। चलो जी चलो रोटी पाओ। हाँ जी बैठो। तुम जागते रहो। बढ़िया भाई। जागते रहो। जागते रहो। अरे पति हूँ मैं तेरा। अच्छा? मुझसे क्या शर्माना है? इतनी सोनी लग रही है ना तुझ पे मेरी जान। जागते रहो। जागते रहो। चांद ही उतर के जमीन पे आ गया। मीठी होगी है। अच्छा। इतनी रात को नत्था घर के बाहर? सत श्री अकाल नत्था। सत श्री अकाल बलदेव। भाई क्या हुआ? क्या नत्थे परेशान क्यों है? वो आधी रात को अपने घर से बाहर यहाँ गली में क्यों बैठा? नहीं यार मुझे कौन सा सुबह काम पे जाना है, वैसे भी धंधा नहीं चल रहा है, आजकल लोगों ने बुलाना बंद कर दिया शादियों में, वो गाने वाला डिस्को लगा देते हैं बस। तू बता कोई जगह मिली रहने के लिए? नहीं यार अपना दूध वाला लाली है ना उसने ही मना कर दिया, नहीं तो बस उसकी दुकान के बाहर बिस्तर लगा के सो जाता था। बस पुलिस ने मेरा वहां से भी टेंशन कर। आजकल इलाके में चोरियां बड़ी हो रही है ना? तो चोरियां हो या ना हो लेकिन मार तो हमेशा गरीब को पड़ती है ना यार, कम से कम लाली को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो अपने इलाके की हिफाजत करता है। वो जब से छोटी बहू घर पे आई है घर में तो रोनके लगी हुई है। ओ तभी कहूं तू आधी रात को घर से बाहर क्यों बैठा है? ओ बलदेव। ओ नहीं यार तू तो गुस्सा ही कर गया, चल ठीक है ओ मैं चलता हूँ भाई। जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। क्या बात है अभी तक सोई नहीं आप? कैसे सो, तेरी बहन के हंसने की आवाज यहां तक आ रही है।
आप भी ना क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? एक काम करो, आप ना उसके सामने आना बंद कर दो। आपको भी ना बड़ा स्वाद आता है उससे उलझ के। मैं उसके साथ क्यों उलझूंगा? और अगर तेरे को इतना बुरा लगता है ना, तो कल से उसकी शक्ल ही देखना बंद कर दो। अरे आप बुरा क्यों मान रहे हो? अरे वैसे भी वो आपकी छोटी साली है और साली जीजा में तुम थोड़ा मुखौल चलता रहता। क्या बात है, आप आजकल बड़े परेशान लगते हो। पता नहीं, आगे की सोच के डरता हूँ। कल को हमारे बच्चे होंगे, क्या जिंदगी देंगे उन्हें? ये नेक मांग मांग के खिलाते रहेंगे, और वैसे भी आजकल हमारे हुनर को पूछता कौन है? सदियों से चल रही ये परंपरा ऐसी खत्म हो जानी है, और फिर पैसे भी कहाँ मिलते हैं इसमें? तो दूसरों ने दे दिया, बस उसी पे जिंदगी बसर कर ली। आप ना परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा, रब राखा। मैं सोचता हूँ ये बगल वाला कमरा किराए पर दे दूं, घर में कुछ पैसे तो आएंगे, और वैसे भी घर के सिवा हमारे पास है क्या? जैसा आप ठीक समझो वैसा। ओए जल्दी कर भाई। लाली बलदेव, मैंने तुझे मना कर दिया है ना, मैं तुझे सोने के लिए जगह नहीं दे सकता। ओ, मैं कहाँ जाऊंगा मालकों? ओए मकान किराए पे ले ले, शादी कर ले, आराम से जिंदगी बिता। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब ने मना किया है, इस इलाके में बहुत चोरियां हो रही हैं। ओए लाली, मैं रखवाली करता हूँ यार यहाँ की, वो चौकीदार हूँ मैं यहाँ का। वो पैसे लेता है, मुफ्त में थोड़ी करता है। ओ, देख लाली, बड़ी गर्मी हो रही है यार, पसीना पसीना हो गया, वो बहुत नींद आ रही है, बस उस कोने में थोड़ी जगह दे दे। देख मैंने मना कर दिया ना, अब तू निकल यहाँ। ओए लाली, ओ की होया यार? पता देख यार, ओ देख क्या हालत हो गई है मेरी। ओए रखवाला कहता था ना मेरे को, ओ देख ओए देख, ओ इज्जत होती है। ओए वो अपनी दुकान से ना धक्के मार मार के निकाल रहा है मेरे को, ओ सोने के लिए जगह नहीं है मेरे लिए। हैं यार, गलत ठीक ही कर रहा है ये, रात रात भर जाकर अपनी रखवाली करता है। अच्छा तो तू रख लेना अपने घर में, बड़ा चौधरी बना फिरता है। ओए लाली, जुबान संभाल के बात करी प्रा से, नहीं तो तेरा तीन तप्पड़ तोड़ कर सब बाहर फेंक दूंगा। क्या करेगा, मेरा खून करेगा क्या? हैं लाली, ओ लाली शांत हो जाए यार। ओ फतेह चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देख क्या हालत कर दी है गरीब की। वो काहे का गरीब? अरे पूरे मोहल्ले से मार्केट से कम 15-20 हज़ार रुपए कमाता है। ओ हाँ लेता हूँ, वो मेहनत का कमाता हूँ, हक का कमाता हूँ। कमाता है तो मकान क्यों नहीं किराए पे लेता? ओ शांत हो जाओ यार। बलदेव चल मेरे साथ, चल चल चल। अरे चल ना, चल चल। ओ जल्दी कर भाई। रमन, ओ रमन भाई, कल सुनो मेरी, आप ठीक तो कर रहे हो ना? जनानियों वाला घर है। ओ देख छोटे, ये वैसे भी बगल वाला कमरा खाली पड़ा हुआ है, ये वहां रह लेगा, और रात भर तो ड्यूटी करता है, दिन भर की बात है, और वैसे भी इलाके में बड़ी चोरियां हो रही है, जनानियों की हिफाजत भी हो जाएगी। तू चिंता ना कर, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सोच समझ के कर रहा हूँ, समझा? चल चल अब परजाई को बुला, चल। रमन, ओ रमन, रमन। देख यार नथे, वो ठीक ही तो कह रहा है, तू पहले पर जाए ना, गाल कर ले, उसके बाद मैं अपना सामान लेता। तो चिंता ना कर यार, मैंने सारी सेटिंग कर ली है, बस मैंने जो तुझे समझाया है तू बिल्कुल उसी तरह इस घर में रहना, मेरा काम भी बन जाएगा और तेरा काम भी बन जाएगा। वो तेरा कौन सा काम? वो तू पैसे नहीं देगा? ओ रुक रुक, बस रमन जब आएगी तब मेरे हाथ में थमा दियो, समझ गया? ठीक है रमन। हाँ जी। नथे ये ले पूरे 5,000 पे एडवांस। पूरे है ना? हाँ पूरे। रमन ये अपना चौकीदार बलदेव, ये आज से अपने घर में रहेगा, खाना पीना सब मिलाकर महीने का 3,000 देगा, और ये है एडवांस 5,000 रुपए। ये ले। 3,000 रुपए किराए दे? ओ जी बहुत बढ़िया, आजो जी आजो जी, आपका आपका कमरा दिखाती हूँ, आजो आजो आजो, अपने घर समझो। हाँ आजो आजो आजो। ये जी बिस्तरा है, वहां पे चदरी टंगी है, ये जी खिड़की है, इसे हमेशा खुली रखना, पक्के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा वहां पे मेज पड़ा है और गुसल खाना सीधा बाहर है। इसको अकल नहीं है, समझाया नहीं तूने? किसी के भी सामने शुरू हो जाती है, अकल दे इसको थोड़ी अकल। बच्ची है जी। अरे तो सयानी की अकल डालना इसमें, बिना चुन्नी के घूमने लगती कहीं भी। ले ये नीचे बिछा लेना, ठीक है? और ये पकड़, ये वाली चादर ओढ़ने के लिए तेरी। अब
भैन जी तुहानू पता है ये उच्चा लंबा आदमी इसे चादर ही नहीं उतारी जा रही। दसो तुम बाहर जाओ। चलो और सुन गुसलखाना बाहर है। बाहर जा। अरे भाभी जी आज का शाम का खाना मैं खा कर ही जाऊंगा, पूरा बहुत भूख लगी है। अभी आए हो ना, जब खाना बन जाएगा तो बता दो। चुनने के लिए होगी दो, दो मैं मदद कर दूं तुम्हारी। दो 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 वो कोना पकड़ लो, छोड़ अभी सूख जाएगी। यार यार तेरा जेड़ बड़ा अजीब किस्म का है, किस जमाने का वो? क्यों जब देखो क्या 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 करता रहता है। अरे कभी ये ना पहनो वो ना पहनो, मैं सबको देखता रहता हूँ। सच बोल रहा है तू, वो ना हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, 24 घंटे ना बस एक ही रट लगाए रखते, चुन्नी पा चुन्नी पा चुन्नी पा, हद हो गई। ऐसा भी होता है वो तेरी, वो तो चुन्नी के बिना बहुत सुंदर लगती है। अपनी जेड़ को बता दियो कि आजकल ना चुन्नियों का जमाना गया, आजकल तो टीवी में ना लड़कियां छोटे 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 चल चुन्नी सुखा छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वो पूरा जिस्म दिख जाता है उनका। और तू ना बाजार में चल देख कितना लेटेस्ट फैशन चला हुआ आजकल बिना चुन्नी का, वो बहुत सुंदर सुंदर सूट आते हैं वहाँ पे। तू कहे तो मैं दिला दूँ तुझे। अच्छा तू मुझे दिलाएगा बिना चुन्नी वाला सूट? हट खुद को दिखा, ऊपर से लेके नीचे तक ढका हुआ है। आजकल के मर्द लोग देखिए पगड़ी पहनते हैं, बंद गले पहनते हैं, कुर्ते पजामे पहनते हैं, और कुड़ी चाहिए बिना चुन्नी वाली। मुझे तो लगता है कि औरतों से ज्यादा मर्द लोग शर्माते हैं। शर्म और मर्दों को, और मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। ए पकड़ो और अभी अपना कुर्ता खोल के दिखाऊं तुम्हें। हिम्मत चाहिए? और दिखा दो हिम्मत तुझे। सेकल पर जाइए, बस चुन्नी सुखा रहा था। लो होगी चुन्नी, चलता हूँ। थैंक यू जी। ओ देखो बहन जी तो शर्मा गया। तुमको शर्म नहीं आती है? हर किसी के साथ भी खीखी करने लगती है। आजकल इस घर में सबको हो क्या गया? हंसना खेलना माहौल कर दिया है। माहौल वाहौल कुछ नहीं हुआ है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अमन मैं कह रही हूँ सुधर जा, तेरे जेठ जी को पता चला ना तुझे काट देना है। बहन जी मुझे ना जेठ जी का डरावा मत देना, किसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना मैं किसी को काट दूंगी। दिमाग तो पहले से खराब है, चल चुन्नी पार चल सीधी कपड़े चल। मुझे लगता है कि हमने इस चौकीदार को रखकर ना ठीक नहीं किया। क्यों क्यों है? मुझे ना उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस तरह से वो अमन को देख रहा था आज, हंस हंस के बातें कर रहा था, पता नहीं। तो तू ये क्यों नहीं कह रही कि तेरी बहन भी उसके साथ हंस हंस के बात कर रही थी? देख रमन, एक तो बड़ी मुश्किल से घर में चार पैसे आ रहे हैं, और तू अपनी बहन को समझाने की जगह उस चौकीदार पे दोष लगा रही। उस चौकीदार के आने से घर में चार पैसे आने लगे तो तुझे ठीक नहीं लग रहा है? अच्छा होगा अगर अपनी बहन की दिमाग में थोड़ी अकल डाले। अकल बड़ी बहन अमन अपना फर्ज निभा रही थी,
जहां एक तरफ उसके पति की नसीहत थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी छोटी बहन के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अमन अपनी बहन की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और तो और, अमन का पति फत्ता भी उसके रवैये को गंभीरता से नहीं ले रहा था। क्या ये लापरवाही थी या फिर किसी होने वाले जुर्म की दस्तक? बहरहाल, नत्था ने रमन को तो चुप करवा दिया था, लेकिन साथ ही घर में रहने वाले एक भारी आदमी यानी चौकीदार की हिम्मत को और भी बढ़ा दिया था। क्या ऐसा करना ठीक था? अमन, ओ अमन। हाँ पैन जी, क्यों होया? इत्थे आ, सुन, मैं घास दे के आ दिया। तू एक काम कर, तू बाकी की घास काट। हाँ जी। मैं मदद कर दूं आपकी? क्यों अपने मुलायम मुलायम हाथों को कस दे रही हो? ये तो काम मर्दों का होता है, इसीलिए तो डोले शोले बनाए हैं। ओए देखो, ये वर्जित शरीर है, सिर्फ आपके लिए बनाया। हाथ लगा के देखो। देखो, हाथ लगा के देखो तो सही एक बार। अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं, अभी तो चौकीदार है। काट दे सारी घास फिर। ओए तू कहे तो तेरा चौकीदार बन जाऊं? कितने मुलायम हाथ है तेरे। ए, छड़ मैनू। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा। हा? बस एक बार हाँ कर दे, रानी बना के रखूंगा। ओए चौकीदार, मजाक बंद कर, पीड़ हो रही है मैनू, छड़। बस एक बार हाँ कर दे ना। हाथ छड़ मेरा, बना के रखूंगा रानी। चौकीदार, बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हा, निकल जा इसी वक्त, दफा हो जा। अब सब्जी, इसी बात के लिए तेरे जेठ जी तुझे समझाया करते थे, लेकिन तेरी तो समझ में आता नहीं है। बहन जी, मैनू माफ कर, माफ कर दे मैनू। मुझे पाजी देख रहे हो, अमीरों क्या कितना सामान होता। अमीर है ना, इसलिए अपनी किस्मत कब चमकेगी? और जिस घर में तमीज और सलीके वाले लोग रहते हैं ना, उनकी किस्मत अपने आप ही चमक जाती है। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो आप? ओ तेरी वोटी अमन की, ना उसे तमीज है ना सलीका। बस बहुत हो गया, इतना ही चुपती है ना आपको? तो मैं उसे अपने संग लेके चला जाऊंगा। मतलब तू एक बदतमीज जनानी के लिए अपने पराग को छोड़ देगा? छोड़ दिया। ओ फतेह, ओ फतेह, कौन है बे? साले आ जाते हैं। वे कौन है बे? कौन है यार? वे कौन है भाई? आजकल के बच्चे भी ना। मन, क्यों होया? ऐसे क्यों बैठी है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? रमन, रमन, क्यों होया ऐसे? अरे मैंने कहा था ना, इस बलदेव को इस घर में मत रखो। ओ होया की? अरे सर्वनाश हो जाना था आज। मैं घास काट कर वहां ले गई, और उसके बाद जब लौटी तो वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। पड़ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ कहाँ गया होगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो जी, हम ना पुलिस स्टेशन जाते हैं,
वहां पर। मैं अपना हिसाब तो पूरा कर लूं, मुझे पता कहां गया होगा। अरे सुनिए तो, सुनिए तो, जानता हूं तो, ये पास गया होगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए नत्थे, साहब ने थाने में बुलाया, चल ऊपर। क्यों? चलो वहीं सवाल जवाब कर लेना। अरे लेकिन इन्हें क्यों लेके जा रहे हो, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। अच्छा चल अभी। ओ हाथ छोड़ो, इज्जतदार आदमी हूं, छोड़ो। मेरा कसूर क्या है और मैंने किया क्या है? यही है वो, यही थे वो घर में जो चोरी किए थे, यही थे वो। साहब जनाब मैं कुछ समझा नहीं। चौधरी जी आप अपने सामान की लिस्ट हवालदार को दे दीजिए, मैं इससे सारा निकलवाता हूँ। देखिए जनाब इनका कोई कसूर नहीं है, हम तो आपके पास इस चौकीदार की शिकायत लेकर आए थे। ये तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं जनाब। जनाब जनाब इनके घर में चोरी हुई है और चोरी के वक्त तुम और तुम्हारा भाई दोनों वहाँ मौजूद थे। तुम्हारा भाई पता कहाँ है? वो गुस्से में निकल गया था। गुस्से में? किस बात के लिए? पैसे के बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई होगी साहब, और क्या? बता माल कहाँ है? देखिए इनका कोई कसूर नहीं है, हम तो इस चौकीदार की शिकायत लेकर आए थे आपके पास। चुप बीबी, चौकीदार से भी पूछताछ चल रही है, चौकीदार को लेकर आ। ओ साहब जी मैं कुछ नहीं जानता और मुझे तो इनके घर आए हुए किराए पे भी कुछ ही दिन हुए। साहब मैं तो रात को बस ड्यूटी करता हूँ, लेकिन साहब जी अक्सर मैंने दोनों भाइयों को ना अपनी पोटली में कोई ना कोई सामान लाते हुए देखा है। अब रब जाने जी पता नहीं उसके अंदर क्या था। साहब जी ये बड़ा कमीना इंसान है, इसने ना मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, गाना बजाना करके लोगों से नेक लेते हैं, लत्थे कपड़े खाने पीने का सामान। अगर आपको यकीन नहीं तो हमारे घर में चल के देख लो। हाँ जी साहब। हवालदार इसके घर जाओ और घर के कोने कोने की तलाशी लो, और उसका छोटा भाई जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ के लेके आओ। उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है जी। देखो बीबी इसके भाई का मिलना बहुत जरूरी है, अगर वो ना मिला ना तो तुम लोग मुसीबत में आ जाओगे। हवालदार इसके पिन का एक एक घर छान मारो, और जहां कहीं भी हो इसका भाई उसे यहां लेकर आओ। जाओ आज कर लो तलाशी, कुछ नहीं मिलने वाला, हम लोग गरीब हैं लेकिन चोर नहीं है। ओए तू उधर जाके चेक कर। हाँ हाँ करता हूँ। इसमें क्या है? कपड़े लगते हैं, बोलो इसे चेक करना है। अमन क्या है इसमें? ये क्या है? इतना पैसा, ये हमारा नहीं है। फिर किसका है? हमें नहीं पता किसका है ये, किसने रखा है यहाँ पे? अब तो थाने जाके पता चलेगा। पतिया एक ही हो गया, वो एक ही हो गया पतिया। ओ इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई को किसने मारा मेरे भाई को? इसके घर वालों को इत्तला कर दो। जाए ठंड रख ठंड। ओए तुम दोनों इस वक्त मुसीबत में, मैं यहाँ कोई शौक से नहीं आया, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ मैं। नहीं चाहिए तेरी मदद हमें। अब पुरानी बातें सब कुछ भूल जाओ, हमें बस ये सोचना चाहिए कि नत्थे का बचाव कैसे करना चाहिए। और पुलिस क्या, पूरा पिंड मानता है कि नत्थे ने फत्ते का खून किया था। नत्थे ने फत्ते को नहीं मारा है, सुना तूने? चलो ठीक है मान लेते कि नत्थे ने फत्ते को नहीं मारा। है कोई सबूत? अमन तू तो समझदार है ना, समझा अपनी दीदी को समझा। ओए तभी तो हम असली मुजरिम तक पहुंचेंगे, समझे? पहने फिर मिनट अंदर जा, पहने तू अंदर जा, पहने तू एक मिनट अंदर जा।
एक मिनट के अंदर जा, मेरी सोहेब जा ना। क्या कह रहा था बोल, किसने मारे मेरे फतेह को? ओए तू इतनी समझदार हो कि बेवकूफ वाली बात क्यों कर रही है? ओए नत्थे ने पुलिस स्टेशन में खुद कहा था कि नत्थे और फत्ते का झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। वो तेरे जेठ नत्थे की गंदी नजर थी तुझ पे, गंदी। वो तो सिर्फ बहाने ढूंढा करता था तुझे टोकने के। और तूने कभी सोचा कि हमेशा तेरे जेठ को ही तेरी चुन्नी पे नजर क्यों जाती थी? तेरे जेठ के इरादे नेक नहीं थे, इसीलिए नत्थे ने तेरे पति को अपने रास्ते से हटा दिया। मैं कोई बनी बनाई कहानी नहीं बता रहा तुझे, सोच ठंडे दिमाग से सोच कि मेरी बात में वजह है। तेरी बात में कोई वजह है? अगर तेरे पास कोई वजह है तो बता। ना वो तू रो ना, मैं हूं, तू घबरा ना। ओए हम दोनों मिलके ना तेरे पति के कातिल को सजा दिलाएंगे, सजा। मैं तेरे साथ हूं। क्या पट्टी पढ़ा रहा है ऐसे? हाँ और मैं कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा, अमन वैसे भी बहुत समझदार है। क्या बकरा था ये? अरे बता क्या बकरा था ये? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हाँ तेरे आदमी को मरे अभी कुछ घंटे हुए और तू क्या बहन जी? हाँ यही ना कि आपके पति ने मुझे हासिल करने के लिए मेरे को, मैं आपको और आपके पति को कभी माफ नहीं करूंगी। वो तो सिर्फ बहाने ढूंढा करता था तुझे टोकने के। और तूने कभी सोचा कि हमेशा तेरे जेठ को ही तेरी चुन्नी पर नजर क्यों जाती थी? मैं कोई बनी बनाई कहानी नहीं बता रहा तुझे, सोच। तेरा पति ना फतेह बहुत ही शरीफ इंसान था, शरीफ। उतरा जेठ एक नंबर का कमीना इंसान था, उसे तो बस पैसे का इलाज था। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं उस दिन की चोरी उसने ना की हो। इनके घर में चोरी हुई है, चोरी के वक्त तुम और तुम्हारा भाई दोनों वहां मौजूद थे। बड़ी चाह से अपने बेटी के लिए सोने की घड़ी बनाई। जी मुझे मेरे पति से मिलने दो ना। देखो इनको अभी कोर्ट ले जाने का वक्त हो गया, अभी आप इनसे मिल नहीं सकते। जी हाथ जुड़वा लो, बस दो मिनट, जल्दी करो। सुनिए जी, आपने चोरी नहीं की, ये देखिए ये घड़ी, ये वही घड़ी है जो चोरी हुई थी। ये मुझे उस चौकीदार के कमरे में से मिली है। बस अब मैं बता दूंगी ऐसे चो साहब को कि आप चोर नहीं हो। ना ना ये सब मत करना, तेरा यकीन कौन करेगा? सब यही समझेंगे तूने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। ये सब तो उस चौकीदार को खुद कबूल करवाना पड़ेगा। और कैसे? मुझे तो अब उस समन की चिंता हो रही है, उसका क्या होगा?
चौकीदार बलदेव ने रमनदीप और अमनदीप द्वारा दी गई बेइज्जती का बदला बड़ी बेरहमी से लिया। एक तरफ तो उसने अमनदीप के पति फत्ता की निर्मम हत्या कर दी और दूसरी तरफ रमनदीप के पति को चोरी के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया। आखिर क्या होने वाला था इन दो बहनों के साथ? बलदेव का मकसद पूरा हो चुका था या उसकी अभी भी कोई चाल बाकी थी? इस वक्त रमनदीप और अमनदीप के पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। क्या ये दोनों बलदेव की चाल को समझ पाएंगी? अमन पर जाएगी? थे थाने गई है तेरे पति के कातिल को मिलने के लिए। हैं? वो ये बोलती हुई झिझक क्यों रही है? देखियो यूं गुमसुम होके ना अपनी जवानी ना जला, हम दोनों को मिलके ना तेरे पति के कातिल को सजा दिलानी है। बस मैं तेरा साथ दूंगा, समझ रही है ना क्या कह रहा हूँ? और बदले में ना तुझे मेरा साथ देना होगा, मैं तुझे ना रानी बना के रखूंगा, रानी बनाऊंगा, रानी, समझ गई ना? हाँ समझ गई ना? चल अब मैं नहा के आता हूँ और तू ना रेडी रही हो, समझ गई? उठ उठ यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ, इधर आराम से। इतना प्यार करता हूँ मैं कि तू सोच भी नहीं सकती। आज तू मेरे सामने आई है, कितनी प्यारी लग। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? दो रात एक ही कर रहे हो तुसी। पहले तूने चोरी की, उसका इल्जाम मेरे पति पे लगा दिया, अब मेरी बहन को बहका रहा है। चोरी? हे बात अमन, खोल इसे, खोल। ये वो घड़ी है जो इसने चुराई थी, इसका इल्जाम इसने इन पे लगा दिया था। मुझे तो लगता है कि फत्ते को भी इसी ने मारा है। अबे पागल है तू? मार! मार है तू? रॉक! हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी है तूने। बता चोरी किसने की, वरना मार देंगे तेरे को, मार देंगे। मार! क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? हमारे हंसते खेलते परिवार को खराब कर दिया तूने। बोल चोरी किसने की, बता वरना काट दूंगी तुझे। बोल! बता दो। बोल! हाँ मैंने की, चोरियां सारी मैंने की थी। जेठ जी की थैली में सामान किसने डाला? बोल बोल वरना काट दूंगी, मार दूंगी तुझे। बोल! वो भी मैंने नत्थे के डाले में सारा सामान डाला था। इसका मतलब फते को तूने मारा है। बोल! ये ऐसे नहीं बोलेगा, काट दे। बता दो। मैंने मारा था। बलदेव तू हमारे संसार का नाश कर दिया तूने। अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से। क्यों? क्यों? अरे तेरी वजह से मेरी और पार्टी लड़ाई हो गई आज। मुझे तो तेरी नियत का सब पता है
अरे मेरी बीवी पे नजर थी ना तेरी। ओए शर्म कर कुछ। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आज अपना सामान उठा नहीं तो शाम को तेरी लाश ही जाएगी घर से। अपने हाथ गंदे कर रही हो इसके खून से, हम इसे थाने ले जाते हैं। चलो चल। एक छोटी सी लापरवाही से पूरे परिवार में मातम छा गया। जहां गुनाह होता है वहां परिवार में कहीं ना कहीं एकता में कमी रह जाती है, या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश में कमी रह जाती, और गुनेगार इसी नाजुक लम्हों का फायदा उठाते हैं, जैसा कि इस केस में चौकीदार बलदेव ने किया। बेशक अमन ने अपने पति को खो दिया, लेकिन रमन की समझदारी और दिलेरी की वजह से पूरा परिवार एक बार फिर एकजुट हो गया। उसने ना सिर्फ अमन की इज्जत बचाई बल्कि साथ ही साथ अपने पति को बेकसूर साबित कर उसे जेल से भी छुड़वाया, जैसा कि इस केस में चौकीदार बलदेव ने किया। अदालत ने बलदेव को मोलेस्टेशन के लिए आईपीसी धारा 509 और फत्ता की हत्या के लिए आईपीसी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और रमन फिर से जुट गई अपनी खुशियों को वापस बटोरने में। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना हम सभी पंजाब वासियों की जिम्मेदारी है, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।